खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं खबरों में, आगे बढ़ते हैं। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। सुबह सुबह राजस्थान पुलिस का महाअभियान, पूरे प्रदेश में पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत एक्शन हो रहा है। हर तरह के अपराध से जुड़े लोगों की धरपकड़ हो रही है। कई जगह सुबह 4 बजे अपराधियों को नींद से उठाकर पुलिस ने पकड़ा। अभी तक रेंज वार हो रही थी इस तरह की कार्रवाई, आज पूरे प्रदेश में महाअभियान चलाया गया है। सभी एसपी और रेंज आईजी सुबह तड़के से फील्ड में मौजूद हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों के बाद ये अभियान चलाया जा रहा है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि यही कोशिश है कि जो अपराधी आमजन के लिए परेशानी का सबब बने हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, पहले बीकानेर, श्रीगंगानगर, झालावाड़। तस्वीरें अलग अलग लेकिन मंशा एक ही, मंशा के इन अपराधियों को दबोचा जाए, इनकी असली जगह यानी कि सलाखों तक इन्हें पहुंचाया जाए। और चलिए, सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, एडीजी दिनेश एमएन का एक बयान था, अपराधियों के लिए एक संदेश उन्होंने दिया था कि मैं रुकेगा नहीं, अब अपराधी जो है वो बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फ्री हैंड है, ये भी कहा था, अब कार्रवाई की जा रही है। कैसे देख रहे हैं इन कार्रवाई को? देखिए शिकार, ये जो कार्रवाई है राजस्थान पुलिस की, ये ऐसे तो कई दिनों से जारी है, जो अभियान है वो लगातार चल रहा है। लेकिन आज इस अभियान में थोड़ा सा पुलिस ने बदलाव किया है, महत्वपूर्ण बदलाव किया है, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई राजस्थान पुलिस कर रही थी वो अलग अलग रेंज में कर रही थी। मान लीजिए भरतपुर रेंज में एक दिन कर दी, कोटा रेंज में दूसरे दिन, उसके बाद अजमेर रेंज में, उसके बाद बीकानेर रेंज में, जोधपुर रेंज में। लेकिन आज जो कार्रवाई है वो पूरे प्रदेश में एक साथ हो रही है। हजारों की तादाद में पुलिस की टीम अलग अलग जिलों में, अलग अलग थाना इलाकों में दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है। और ऐसे लोग जो कई सारे मामलों में जिनकी तलाश है राजस्थान पुलिस को, उनको पकड़ रही है, चाहे वो एनडीपीएस का केस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले हो। बहुत ही बड़ी तादाद में जो पुलिस की टीम है वो इस समय फील्ड में है। और बड़ी बात यह है कि अधिकतर एसपी और रेंज आईजी भी फील्ड में है, अधिकतर एसपी भी सुबह सुबह फील्ड में निकल गए हैं। कई अपराधी ऐसे हैं जिनको जगा के पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि सुबह 4-5 बजे का जो समय होता है तो वो अपराधी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस टाइम पे इतनी जल्दी पुलिस एक्टिव हो जाएगी कि जब सुबह सोने का टाइम हो उस समय पुलिस आके उनको उनके ठिकाने से पकड़ लेगी। तो एक बड़ा अभियान है और शाम तक उम्मीद है कि जो ये एक ऑपरेशन चलाया है जिसको महाअभियान नाम दिया है, फ्लश आउट जो अभियान चल रहा है शिखा, इसमें शाम होते होते एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल कर आएगा अलग अलग जिलों से, अलग अलग रेंजों से। और हजारों की तादाद में तय माना जा रहा है कि जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि जो अभियान राजस्थान पुलिस ने छेड़ा है उसकी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मौकों पर तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था एक दिन आरपीआई जब उनका संबोधन था कि राजस्थान पुलिस झुकेगी नहीं, की थीम पर काम कर रही है। और सच में इस तरीके की कार्रवाई पहली बार राजस्थान पुलिस में देखने को मिली है, जब लगातार अभियान चल रहा है और पूरे प्रदेश में एक ही दिन एक ही समय पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो एडीजी क्राइम है दिनेश एमएन, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उमेश मिश्रा डीजीपी, उन तक भी पूरी जानकारी पहुंच रही है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और शाम तक उम्मीद है बहुत बड़ा आंकड़ा कार्रवाईयों का निकलकर सामने आएगा। शिविंद्र, तो माना जा सकता है ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत जेल में जो अवांछित वस्तुएं इन अपराधियों तक पहुंचाई जाती हैं, उन जेल कर्मियों को भी अब चिन्हित किया जाएगा, क्या ये भी हिस्सा है इस ऑपरेशन का? देखिए, इस ऑपरेशन में ऑल आउट का मतलब यही है कि किसी भी तरह का, चाहे वो अपराध हो, कोई भी अपराधी हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, वो पुलिस की गिरफ्त से बचेगा नहीं। और बकायदा ये जो अभियान है इसकी तैयारी की गई, कई दिन पहले से पुलिस मुख्यालय के स्तर पर सूचियां बनाई गई अलग अलग जिलों में कि किस तरीके से कौन कौन से लोग हैं जिनकी पुलिस को तलाश है, जो लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे हैं। तो एक प्री प्लान, एक बेहतरीन वेल प्लान कह सकते हैं, वेल प्लान ये पूरा ऑपरेशन है जो इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है। और अलग अलग जिलों से कई तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं, चाहे वो कोई से जिले हो, हर जिले में तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, हर जिले में बड़ी तादाद में जो अपराधी हैं वो पुलिस के शिकंजे मार रहे हैं। जी, चलिए शिवेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के सभी जिलों में पुलिस एक्शन में है। गैंगस्टर्स, एंटी सोशल एलिमेंट पर राजस्थान पुलिस की कार्रवाई जारी है। बीकानेर संभाग में 3,245 पुलिसकर्मियों की 785 टीमों ने 3,370 जगह रेड मारी है। आईजी ओम प्रकाश पासवान खुद भी फील्ड में निकले हैं। इधर बीकानेर जिले की कार्रवाई को मॉनिटरिंग कर रही एसपी तेजस्विनी गौतम, एसपी गौतम ने कहा जिले में भी बड़ी संख्या में बदमाश धरे गए हैं।
अब तक 5 इनामी बदमाश भी धरे हैं, 17 वांछित अपराधी पकड़े गए। सीएम गहलोत ने कहा था गैंगस्टर सरेंडर कर दे नहीं तो नेस्तनाबूद कर देंगे। उसी के मद्देनजर राजस्थान के सभी जिलों में एक्शन में पुलिस है। सहयोगी लक्ष्मण राघव बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, माना जा सकता है अपराधियों की अब खैर नहीं और ये फील्ड में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सूबे के मुखिया का ये मैसेज कि सरेंडर जो है गैंगस्टर सरेंडर कर दें अन्यथा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, मुझे लगता है डीजीपी मिश्रा और जो एडीजी हैं क्राइम दिनेश हेमंत, मुझे लगता है मुखिया के निर्देशों के बाद पूरे राजस्थान में, हालांकि इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां हो रही थी, पहले संभाग स्तर पर थी, अभी जिला स्तर पर कार्रवाइयां हो रही हैं। राजस्थान के तमाम जिलों में एक साथ अल सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर ब्रेक की और बताया किस तरह से जो है कार्रवाई जारी है। न केवल बीकानेर संभाग के चारों जिलों की मैं बात करूं, तमाम राजस्थान के जो अलग अलग जिले हैं, फिर चाहे झालावाड़ हो, प्रतापगढ़ हो, कोटा हो, या तमाम जिलों में एसपी ने अपनी कमान संभाली हुई है। बीकानेर चूंकि इसलिए फोकस्ड है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका बन गया है जहां पर जो गैंगस्टर्स हैं, चाहे लॉरेंस विश्नोई के गुर्गे हों, रोहित के गुर्गे हों, या जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों जब आनंद पाल का प्रकरण चला था उस दौरान भी ये बात निकल कर आई थी कि बीकानेर में उसने शरण ली थी। तो ये तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिसको लेकर बीकानेर ज्यादा सेंसिटिव हो चला। इसी के मद्देनजर यहाँ जो है आईजी और तमाम एसपी, चाहे गंगानगर के एसपी पारिस देशमुख हो, हनुमानगढ़ एसपी सुधीर चौधरी हो, या फिर बीकानेर की एसपी देशमुख गौतम हो, इन तमाम एसपी ने आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सुबह 5:30-5 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं जो ब्रीफिंग कर रहे थे आईजी खुद पहुंचकर। तो जब अधिकारी खुद फील्ड में जाकर ब्रीफिंग करते हैं, कार्रवाई में साथ रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कि जिस तरह से एक टीम के तौर पर राजस्थान पुलिस एक संदेश छोड़ रही हो, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, खासतौर पर एडीजी दिनेश हेमंत के निर्देशन में जिस तरह से इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है पूरे राजस्थान में, मुझे लगता है कोशिश यही है आम आदमी व्यापारी को कम से कम लो एंड ऑर्डर की दिक्कत ना हो। लक्ष्मण, जब हम एंटी सोशल एलिमेंट की बात करते हैं तो माना जा सकता है इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि इन बदमाशों का सोशल मीडिया पर महिमा मंजन करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको लेकर साइबर क्राइम जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि गैंगस्टर्स को पुलिस अवेयरनेस का काम भी कर रही है, चाहे जी ओम प्रकाश ने बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त भी बताया था कि अवेयरनेस जरूरी है, आपका बच्चा कम से कम गैंगस्टर्स का महिमा मंडन ना करे। एक तो ये एंगल है, दूसरा एंगल है कुछ लोग हैं जो जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं। चलिए लक्ष्मण, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार जी जुड़ गए हैं। सर, फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है और आपको बधाई भी इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि एक्शन में पुलिस है और बदमाशों की किस तरह से कमर तोड़ी गई है ये तारीफ के काबिल है। बताइएगा कैसे कार्रवाई की पूरी। थैंक यू। आज प्रतापगढ़ पुलिस ने मुख्यालय के निर्देशानुसार जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनकी छंटनी करके और हमने समुचित टीम बना के लगभग 2 जगहों पर प्रतापगढ़ में अलग अलग टीम ने कार्रवाई की है। उसमें लगभग अभी 100 के आसपास लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें एक फायर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति एनडीपीएस मामले में वांछित चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 7 लोग ऐसे थे जिनके स्टैंडिंग वारंटी थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा वन अधिनियम के तहत एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया है जो सागवान की लकड़ियां जो है लेके जा रहा था। अन्य जितने भी सीटर हैं उनको अभी डिटेन करके उनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। लगभग 50 वाहनों को, ऐसे वाहन जो या तो फर्जी नेम प्लेट के साथ हैं या उनके पास में समुचित दस्तावेज नहीं है, उनमें एमवीएम के तहत उनको जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। अमित कुमार जी, इनामी बदमाश कितने पकड़े गए हैं, कितना इनके ऊपर इनाम था और अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो माना जा सकता है कि जो ये पूरी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अब वो जड़ से खत्म हो सकेगी? जी बिल्कुल, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक चूंकि लगातार कार्रवाइयां चली रही हैं, दोपहर बाद तक भी चलती रहेंगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कितने इनामी बदमाश हैं। और ये जितने भी संगठित तौर पे जो लोग अपराध करते हैं उन पे लगातार इस तरह की पुलिस की आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अमित कुमार जी, आगे किस तरह से एक्शन दिखाई दे सकता है क्योंकि एक चुनौती आप लोगों के लिए भी रही होगी, तो आगे किस तरह से अभियान को और गति दी जाएगी आप लोगों के नेतृत्व में? इसमें पुलिस द्वारा मुख्यालय के बार बार निर्देशानुसार हम ऐसे अपराधी जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में अब मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे लोग जिनपे फायरआर्म के ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं या एनडीपीएस के कई सारे मुकदमे पिछले 10 साल में दर्ज हुए, उन अपराधियों का डाटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है, आसूचना जो है फील्ड से जुटाई जा रही है,
तो उनके आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो दूसरी आसूचना प्राप्त हो रही है। ये लगातार कार्रवाई करके हम इस तरह से रेड कर रहे हैं ताकि उन आपराधिक तत्वों पे लगातार कमर की तोड़ी जा सके और विधि के दायरे में उनको लाया जा सके। अमित कुमार जी, चाहेंगे कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप एक युवाओं को संदेश दें, क्योंकि ऐसी खबरें भी आई थी कि युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। पिता जो है वो पैसे लगा करके बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन फिर युवा जाकर के वहाँ किसी गैंग के मेंबर बन जाते हैं। तो चाहेंगे कि आप एक संदेश दें, क्योंकि सर आप बारीकी से देख रहे हैं किस तरह से ब्रेन वॉश ये अपराधी करते हैं। हमारे पुलिस की ओर से सभी युवाओं से ये अपील है कि जो अपराधी व्यक्ति जिसने अपराध एक बार कर दिया उसके लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वो अपराध जगत को जोड़ पाए। उसमें पूरा परिवार को कहीं ना कहीं तकलीफ मिलती है जब ये रेड कंडक्ट की जाती है, तो चूंकि परिवार के पास जो शरण काटने भी आता है तो पुलिस के सामने भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है कि वो रेड को कंडक्ट करे तो न केवल वो अपना जीवन संकट में डालता बल्कि पूरे परिवार के लिए एक शर्म की स्थिति वो पैदा करता है। तो सभी युवाओं से अपील है कि ये छोटे बहकावे में सोशल मीडिया के बहकावे में आके इन अपराधी जगत के लोगों को फॉलो ना करें। ये एक शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन है, जीवन में अपने परिवार को और अपने अच्छे भविष्य के लिए इन चीजों से दूर रहें। चलिए, बहुत अच्छा संदेश सर आपकी ओर से, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।